हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव माय लाइफ। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली हाट घुमाने वाली हूँ। यस, दिल्ली हाट इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस इन दिल्ली, सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिल्ली हाट मेरी एक फेवरेट प्लेस है, जहाँ पे जब भी मुझे अपना मूड फ्रेश करना होता है तो मैं चली जाती हूँ। एंड ऑल्सो इट्स वेरी नियर बाय टू माई होम बिकॉज आई लिव इन साउथ दिल्ली। सो जब भी मुझे मूड रिफ्रेश करना होता है तो मैं दिल्ली हाट चली जाती हूँ। तो ये आदि महोत्सव लगा हुआ था, तो ये पूरा दिल्ली हाट ड्यूरिंग लाइक नॉर्मल टाइम इतने स्टॉल्स नहीं होते जितना आप अभी देख सकते हैं। ये पूरा दिल्ली हाट जब भी कोई इवेंट होता है सज जाता है एंड क्राउडेड रहता है। अलग अलग फूड स्टॉल्स का एडिशन हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे फूड स्टॉल्स परमानेंटली रहते हैं, आसाम के, नागालैंड के, एंड देर आर सो मेनी स्टेट्स जिनके फूड स्टॉल आपको हमेशा देखने मिलेंगे। बट ये जो फूड स्टॉल्स हैं, ये कुछ नए फूड स्टॉल्स हैं जो कि आदि महोत्सव चल रहा था तो ये फूड फेस्टिवल की तरह भी था, क्योंकि किसी भी इवेंट में दिल्ली हाट में एक्स्ट्रा शॉप्स लगाई जाती हैं, एक्स्ट्रा स्टॉल्स लगाई जाती हैं, तो उसमें फूड आइटम्स इंक्लूड हो जाते हैं, हैंडीक्राफ्टेड चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग फेमस चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो ऐसे स्टॉल्स लग जाते हैं। एंड इवन इस इवेंट में कुछ चीफ गेस्ट्स भी आते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंसेस भी होती हैं एंड पीपल यूज टू प्रेजेंट देयर टैलेंट, देयर हैंडीक्राफ्टेड थिंग्स। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये चारों तरफ फूड स्टॉल लगा हुआ है। एंड दिस इज़ द स्टेज, दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मतलब इवेंट सेलिब्रेशन होता है। बाई चांस कोई गेस्ट आता है, गेस्ट ऑफ ऑनर, एंड पीपल कैन सिट एंड वॉच लाइक म्यूजिक शोज। महोत्सव है तो पीपल विद present according to that. So this is the area for event celebration. Now let's come to the interesting stalls of Dilli Haat. यहाँ पे बहुत interesting चीज़ें हमें देखने मिलती हैं जो normally मुझे market में नहीं देखने मिलती। हैंडीक्राफ्टेड वुडन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये विंड चाइम्स कितने स्वीट हैं। एंड दीज फ्लावर्स आर सो क्यूट, मतलब मुझे तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पसंद आ जाती हैं। ऑल्दो द कॉस्ट इज़ क्वाइट हाई बिकॉज ये सादा हैंडीक्राफ्टेड होता है। इन इवन दे यूज टू परफॉर्म एन इवेंट, दे आर लाइक नॉट परमानेंट स्टाफ, सो थोड़ा सा कॉस्ट तो हाई होता है, बट हाँ मटीरियल आपको बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि सब कुछ हैंडीक्राफ्टेड है, तो कॉस्ट हाई होना ही है। मेहनत ज़्यादा लगती है तो पैसे तो ज़्यादा देने ही पड़ेंगे। बाकी क्वालिटी वाइज इट वॉज़ गुड। सो यहाँ पे क्लोथ्स की भी शॉप्स हैं एंड मतलब आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ देखने मिल जाती है। डिफरेंट टाइप के स्कर्ट्स जो सिक्किम वगैरह में बहुत फेमस हैं, उस टाइप के स्कर्ट्स, उस टाइप के ड्रेसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने मिलेंगी जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आप ऐसे विंडो शॉपिंग करने में भी यहाँ पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि एटलीस्ट आपको मार्केट की नॉलेज होती है। सो दिस इज़ लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग एंड कैची, ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने इसका छोटा सा पैन ख़रीदा भी है। एंड ये बर्तन मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, स्पेशली द टी सेट बिकॉज आई एम अ टी लवर, तो मुझे ये सारे कप, ये पूरा टी सेट मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो वेल मैंने टी सेट तो नहीं लिया था, बट हाँ मैंने छोटा सा पैन लिया था यहाँ से। एंड दीज आर ऑल क्लोथ शॉप, सारी कपड़ों की दुकानें थी। वुलन्स का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोप था एंड वो बैग्स के कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे। तो दिस इज द लुक ऑफ ब्यूटिफुल दिल्ली हाट। ऑल्दो अगर आप कभी इवेंट के बिना आते हो तो इतनी शॉप्स यहाँ पे नहीं होती, ये काफ़ी पीसफुल लगता है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होती, शांति से आप बात कर सकते हो। एंड देर आर सो मेनी फूड स्टॉल्स, जो भी कुजीन आप चाहें खा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे अक्सर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ जाती हूँ, कभी कभी चाय पीने, कभी यहाँ पे
कुछ स्पेशल खाने लाइक यहाँ के मुझे फ्राइड राइस, चिली पोटैटो वगैरह बहुत पसंद है, तो जब भी मुझे मन होता है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ. एंड दीज स्टॉल्स आर क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव, इतना महंगा नहीं होता कि आप खा नहीं सकते या किसी को ट्रीट नहीं दे सकते. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, देयर इज़ नो टाइम बाउंडेशन, आप जितना टाइम चाहे आप डेली हार्ट में स्पेंड कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है. एंड इतनी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं एंड एंटरटेनमेंट होता है, पीस मिलता है. एंट्री टिकट लगती है बट इट्स वर्थ वॉचिंग. सो अगर आप डेली हार्ट नहीं गए हो अभी तक तो ज़रूर जाइए, बिकॉज इट्स वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग. वैसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आई एम मिसिंग ऑल द फन. आप जैसे देख रहे हैं हर स्टॉल पे यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल आपको देखने मिलेगा, लाइक दीज ज्वेलरीज, सो दे आर एंटीक पीसेज. आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ इयररिंग्स, तो मुझे इयररिंग्स की शॉप पे तो जाना ही जाना होता है. इयररिंग एंड एक्सेसरीज आई लव. एंड दिस इज लाइक पपेट्स, इफ यू कैन सी क्लियरली. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल मुझे लग रही थी पपेट्स की, क्योंकि ये पपेट्स सेल कर रहे थे एंड काफ़ी हैंडीक्राफ्टेड और भी शो पीस इन्होंने रख रखी हैं अपने शॉप पे. सो ये भी देखने में काफ़ी सुंदर है, एकदम कलरफुल सा. सी इट्स ऑल हैंडीक्राफ्टेड. I just love this kind of lamps, if you can see, and these utensils also. These are so colorful utensils, and ये प्यारे लग रहे थे. Although ये बहुत delicate होते हैं use करने में, but मुझे ये बहुत ही attract करते हैं ये सब. So this is basically the entry gate of Delhi Haat. आदि महोत्सव का यहाँ पे भी board लगा हुआ है. And these are the ticket counters. जब कुछ अच्छा हो रहा होता है यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन होती है टिकट्स के लिए. अभी तो ये आपको खाली दिख रहा है बिकॉज ये बंद होने का टाइम हो गया. यू कैन सी द एडल्ट प्राइस इज 30 here. एंड फॉरनर्स का अलग रेट चार्ट है, लाइक 100 रुपीज, एंड चिल्ड्रंस का 20. So this is the rate chart and this is the outer campus of Delhi Haat. Yeah, outer campus of Delhi Haat ka. So that's it guys, this is a short tour to my favorite destination Delhi Haat, and I hope you guys like this video. एंड जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो, अगर आपने अभी तक दिल्ली हाट विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर जाइए, देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. सो येस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और हम ऐसे ही ट्रैवल कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे. अभी कोरोना काल चल रहा है तो हमें अपना मन बहलाना पड़ेगा वीडियोज़ देख देख के ही, जब तक हम विज़िट करने के लिए तैयार नहीं हो जाते. So guys, thank you so much for watching this video and we'll see you in the next video. Thank you guys. Have a good day. Bye.